नमस्कार दोस्तों, मैं स्वास्थ्य बुदौली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जानने वाले हैं एक और नया टॉपिक, सिम्टम ऑफ सोरा, जिसमें दोनों के लेटेंट सोरा और सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा दोनों के सिम्टम हम बताएंगे। साथ में ये बताएंगे कि सोरा क्या है। सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिसीज। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम है सोरा के। और ये जानने के पहले ये हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि सोरा है क्या, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, इसके बाद इसको देखें, इसके बाद में अगला वीडियो व्यू ऑफ डॉक्टर केंट और डॉक्टर एच ए रॉबर्ट के व्यू के आधार पे सोरा का वीडियो में डालने वाला हूं। तो आइए जानते हैं कि सिम्टम सोरा में क्या क्या आएंगे। तो सोरा के सिम्टम देखेंगे तो मेंटली क्या होता है, ये अलर्ट होता है, क्विक, साथ में एक्टिव होती है, इसकी सारी इमोशंस एक्टिव होती हैं, बट ये जल्द ही थक जाता है मेंटली और फिजिकली दोनों। इस थकान की वजह से इसको क्या होता है, इसको डिजायर होती है कि ये लेट जाए, डिजायर टू बी लाई डाउन, और इसको डर रहता है कहीं ये मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन के बारे, ये थकान के बारे कहीं ये कहीं इसको कि जो काम कर रहा है किसी वजह से इसको ये डर बना रहता है कि मुझे मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस या थकान ना हो, एग्जॉशन ना हो। और इसको डिप्रेशन भी होता है, और क्या होता है, इसकी जो सफरिंग होती है साइलेंट सफरिंग होती है वो सप्रेस होती है, कि पता नहीं चलता है कि इसकी साइलेंट सफरिंग से क्या, कि हम जान सकें कि इसकी साइलेंट सफरिंग किस वजह से है। और क्योंकि डिप्रेशन है तो ये बताना भी नहीं चाहता किसी को, अपने आप में अलाउड रहना इसको पसंद है। कब, डिसीज कंडीशन में, लेटेंट कंडीशन में, लेटेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेटेंट में सब कुछ ये छिपाएगा, बताना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी सिम्टम में आएगा सब कुछ बाहर निकालने लगेगा। और इस लेटेंट में क्या होता है, ये कंसंट्रेट नहीं करता किसी भी चीज पे, कि कंसंट्रेशन बना रहा है इसका कि ये चीज है, हम इस चीज को बताना चाह रहे हैं, तो वो इसका कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो क्या होता है, किसी जब इसको गुस्सा आती है तो गुस्सा एक झटकों में आती है कि इस चीज को, अगर उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा तो किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन नहीं होगा तो उस चीज को वो रिमोट नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा, तो आप उस चीज को याद नहीं हुआ, उस चीज के बारे में जानता नहीं है, तो क्या होगा, झटके आएंगे उसको, वो भी गुस्से के झटके आते हैं, फिट्स ऑफ एंगर आते हैं। और वो चिंता, इसको चिंता भी रहती है, वरी भी होता है, और साथ में फियर भी होता है किसी भी चीज का, सोरिक कंडीशन है। और लेकिन इसका एमुलेशन होता है क्राइंग और नेचुरल एनिमेटिव फंक्शन से। कैसे, कि इसका क्या होता है, जैसे ये रो लेगा तो इसका रो लेगा तो जो इमोशंस अंदर है वो रोने के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। या कोई भी ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल है, एलिमेटिव, जिससे एलिमिनेशन हो जाए, किसी भी एलिमिनेशन में होता है किसी चीज को हटाना, तो ऐसा कोई चीज हो जाए जिससे कि इसका जो सिम्टम्स है वो बाहर निकल जाए, या जिसकी जो एंगर है या इसका सप्रेशन है, जिस वजह से ये डिसीज में जा रहा है, वो सारी चीजें हमारी उसकी बाहर चली जाएंगी। अब ये तो थे लेटेंट सोरा के सिम्टम, अब बात करते हैं सेकेंडरी सिम्टम ऑफ, उसके क्या क्या सेकेंडरी सिम्टम है। सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं, जैसे ही पहले बात की थी जब कोई एक्साइटिंग कॉज आता है तो सेकेंडरी सिम्टम, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या था, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन के लिए एंटीसोरिक रेमेडी देंगे, लेटेंट कंडीशन के लिए भी एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। अब इसमें देखते हैं कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस की वजह ऑर्गेनिज्म में इसमें दिखाई देने लगते हैं, उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो इमोशनल तो उसमें भी दिख रहे थे लेटेंट में, लेकिन इसमें फंक्शनल भी दिखाई देने लगते हैं। सोरा पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होता है, साथ में डर्टी भी होता है, और जल्दी थक जाता है, और डिप्रेस भी होता है, एप्रेहेंसिव भी होता है, और साथ में हमेशा ये चिंता रहता है कि कहीं ये मर ना जाए, उसको मरने का डर रहता है, फियर ऑफ डेथ रहता है, लेकिन ये लंबे समय तक जीता है। ओवर सेंसिटिव होता है ये पेशेंट, सोरा का पेशेंट, और सेंसिटिव टू नॉइस, लाइट और ऑडर्स, इन तीनों के लिए बॉडी ये सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको ओवर सेंसिटिव पेशेंट भी कहते हैं। जल्दी थक जाता है, डिप्रेस है, और ये यूजुअली जो सोरिक पेशेंट होते हैं वो चिली होते हैं, चिली हुए तो ससेप्टेबिलिटी कोल्ड से होगी। अब बात करेंगे इसकी सारी कंप्लेंट किससे रिलाइव होंगी, अब जब चिली पेशेंट है तो कंप्लेंट किससे, हीट से, और समर वेदर में आराम मिलेगा। अब बात करेंगे कि अगर कोल्ड चिली पेशेंट है, कोल्ड से इसको ससेप्टेबिलिटी है,
तो इसे जो कोल्ड वेदर होगा, कोल्ड विंटर वाला सीजन होगा, उसमें इसकी कंप्लेंट बढ़ेंगी। अब इन सब चीजों को लेके तो इसको किसकी डिजायर हो गई, हॉट फूड की, हॉट ड्रिंक्स की और मीट की। अब ऐसा पर्सेंट होता है ये एक जगह स्टिल खड़ा नहीं रह सकता, स्टैंड स्टिल मतलब ये इससे कह दो कि एक जगह खड़े हो जाओ तो ये एक जगह खड़ा नहीं रखता। साथ में पेशेंट चाहता तो है कि वो चीज को आगे बढ़े या इसको आगे काम करे, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आगे की चीज को लेके चलता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ये आगे मतलब चाहता है लेकिन उसके पैर काम नहीं करते हैं कि वो आगे बढ़े। वो चलना चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन उसके पैर उसकी जो जिस चीज पे वो बलबूत जिस चीज के बलबूते वो खड़ा हो, वो चीजें उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करती। जैसे कि पैर, जैसे उसे चलना चाह रहा है तो उसके लिए इसके जो फीट है वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, क्यों? अब कुछ कोई कारण होगा, मेंटल वीकनेस लेके चल रहा होगा जिस वजह से वो चाह रहा है कि उसको फियर है ना, सबसे बड़ी चीज क्या है, फियर है। फियर की वजह से ही वो चीजों को लेके घबरा रहा है। साथ में बात करेंगे इसके जो हैंड और फीट है उनमें बर्निंग मिलेगी। बर्निंग क्यों मिल रही है? हीट, फ्लशेस ऑफ हीट भी मिलेगी, स्पेशली कहां पे? फेस पे। ये क्या होता है, जब जो इसकी चिल वाली कंडीशन आती है, अब चिल्ड वाली जो कंडीशन आएगी उसके बाद फीवर का आना लगभग तय होता है। सोरा क्या है, इन्फ्लामेशन या ईच वाली जो पहली स्टेज होती है उसमें फीवर की कंडीशन भी आती है। तो जो पहली कंडीशन आएगी उसमें हीट जनरेशन भी तो हो रहा है ना, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है तो उसमें हीट जनरेशन हो रहा है, तो हीट जनरेशन की वजह से यहाँ पे इसको हैंड एंड फीट में बर्निंग हो रही है। स्पेशली इसका जो फेस है वहां पे हीट का सो 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 कह सकते हैं, या हीट हमें महसूस होती है। साथ में बात करेंगे तो इसकी इसकी स्किन में ईचिंग मिलेगी, ठीक है, स्किन में ईचिंग मिलेगी और डर्टी स्किन होगी, ठीक है। और देखेंगे तो जो इसका जो इरप्शन है वो इसको अनवास्ट अपियरेंस मिलेगा। अनवास्ट अपियरेंस में क्या होता है, ये जो पेशेंट है वो डर्टी रहना चाहता है, मतलब गंदा इसीलिए रहता है क्योंकि जो इसके इसकी इरप्शन है उसको हल्का सा भी स्क्रैच करोगे तो उसकी सीवियर इचिंग लेके, सीवियर बर्निंग लेके आता है। इसलिए ये बर्निंग से डलने की वजह से, इचिंग से डलने की वजह से इसको धोना नहीं चाहता। साथ में पेशेंट को वर्टिगो भी होगा, हेडेक रहेगा। अब इसका हेडेक किससे रिलाइव होगा? आराम से लाइंग डाउन पोजीशन से। पेशेंट हमेशा हंग्री कंडीशन में रहेगा, कब जब खाना खा लिया उसके बाद भी इसको लगेगी कि हाँ मुझे भूख लग रही है, तो ये कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। और इसके जो इसमें क्या होता है, ब्लोटिंग सेंसेशन आते हैं। ब्लोटिंग सेंसेशन कब आते हैं? जब इसको टच करेंगे तब ऐसा लगेगा यार हाँ खाली है, पेट खाली है, खाना खा लिया, सब भी भूखा खाना खा लिया फिर भी पेशेंट को लग रहा है कि हम भूखे हैं। तो ये चीज जो ब्लोटिंग सेंसेशन आ रहा है वो कब टच करके महसूस कर रहा है कि हाँ इस चीज से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। साथ में अगर मान लो खा लिया, ओवर डाइटिंग कर रहा है तो ओवर खाना खा रहा है, ओवर डाइट ले रहा है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा तो भैया रात को खाया तो सुबह तो निकलेगा तो मॉर्निंग डायरिया भी होगा। ये सारे सिम्टम इसके किसमें इसकी कौन सी कंडीशन को बताती है, ये सारे सिम्टम इसकी बताते हैं सिम्टम ऑफ सोरा की। सोरा में ये सिम्टम है, कुछ मैंने मेन सिम्टम आपको बता दिए। अब बात करेंगे कि सोरा को मदर ऑफ ऑल म्यास्म क्यों कहते हैं। तो डॉक्टर हेनिमन सर ने कहा है कि सारे क्रॉनिक म्यास्म को तीन म्यास्म में, जो क्रॉनिक म्यास्म को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कौन सा होता? सोरा, दूसरा साइकोटिक, तीसरा सिप्लेटिक। तो इंग्लिश डिक्शनरी में सोरा को क्या कहा गया, जो स्किन डिसीज है, मतलब इसकी जो मीन निकाला सोरा स्किन डिसीज की जो है, जो स्किन डिसीज जो कब ह्यूमन बॉडी पे जो डिसीज की शुरुआत होती है वो सोरा से ही होती है, जो इंग्लिश डिक्शनरी में बताया। इंग्लिश डिक्शनरी किसकी थी? फंक एंड बंगाल की। अब बात करते हैं कि सोरा ना तो कोई भी डिसीज में, जब कोई किसी भी प्रकार की कोई डिसीज हो, ऐसा तो नहीं है कि हम ये सोचें कि ये डिसीज है इसमें सोरा नहीं है, तो सोरा होगा और साथ में सोरा के साथ सिफिलिस साइकोसिस हो सकता है। किसी भी डिसीज का जो सोरा सिप्लिटिक और साइकोटिक कंडीशन के आने के पहले सोरा मिलेगा, तो इन सब की चीज को आने के पहले क्या दिखाई देगा मैं, सोरा और साइकोटिक, साइकोटिक और सिप्लिटिक मिक्सर म्याल नहीं हो सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में एक्यूट डिसीज, ह्यूमन बीइंग में जो एक्यूट डिसीज के प्रति जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो सोरा के कारण होती है, क्योंकि सोरा में सोरा डिपेंड करता है ससेप्टेबिलिटी पर। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में मैंने बताया कि पर्सन की ससेप्टेबिलिटी पे सोरा की कंडीशन डिपेंड करती है,
और यह माना भी जाता है कि जो सोरा की जो सोरा का जनरेशन हुआ है वो लेप्रोसी डिसीज के कारण हुआ, लेकिन सोरा की जो परिभाषा है उसमें ना तो ऐसा ना बताया कि जो इसकी इसमें जो ईचिंग्स होती हैं मैं मेंटल ईचिंग मान के चलते हैं कि उसको लगता है कि यार खुजाओ खुजाओ, मतलब सीबीएटी लेके आता है कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बराबर ये एक साइकोटिक की होती है, उसको निकाल दिया खत्म, थोड़ी कर ली खत्म। लेकिन सिबलेटिक में होता है डिस्ट्रक्शन करता है, उस पार्ट को खा जाता है। अब साइकोटिक सोरा में क्या है, लगा है उसको ईचिंग करने, सीवियर ईचिंग होती है, साथ में बर्निंग होगी तो और करेगा उसको, इस वजह से ये दिखाई देता है। और अब इसमें क्या भैया क्लियर बात है किसी प्रकार की ये सोरिक पर्सन ज्यादा टेंशन नहीं लेता, हाँ ठीक है चल दिया। लेकिन एनिमन सर ने बताया है कि पर्सन की जो डिसीज है म्याल से इतनी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर उसका नॉर्मल उसका फिजिकल वो देखोगे तो जो डिसीज होती वैसे म्याल से इफेक्ट नहीं होगा, अगर उसका मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया तो वो म्याल उसको बहुत जल्दी कवर कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसको डिसीज में म्याल नहीं होगा, म्याल माना जाता है, लेकिन उसमें होना जरूरी है कि उसमें वो जो फिजिकल डिसीज है, जो फिजिकल डिसीज है उसके लिए मेंटल डिस्टर्बेंस होना जरूरी है। तो पहले मेंटल डिस्टर्बेंस आया, अब एनिमल सर ने कहा है कि किसी भी पर्सन के मन में किसी भी चीज की उत्पत्ति, किसी भी डिसीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनविजिबल कॉज है, इनविजिबल है, इनविजिबल को विजुअल कब मानेंगे, इनविजिबल में तो मेंटल आएगा, केवल इमोशनल अल्टरेशन आएंगे, लेकिन जो छोरा की जो लेटेंट कंडीशन है उसको इनविजिबल भी कह सकते हैं। जो इनविजिबल और माइंड वाली कंडीशन, ये कंडीशन छोरा की होती है, इनविजिबल को क्या कहा, लेटेंट, या जो माइंड में डिस्टर्बेंस आए हैं कि हाँ यहां से डिसीज की शुरुआत हुई है। लेकिन अगर वो विजुअल हो गई या इरप्शन लेके आ गई तो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में मानते हैं। तो ये सब अब जब कोई भी डिसीज, और हाँ इसमें एक स्पेशल टाइप की ऑर्डर भी आती है सोरिक कंडीशन में होती है, जब सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन आ गया तो इसमें ईच हो गया तो इसको जैसे कि उसको स्क्रैच करोगे बर्निंग होगी तो सीवियर टाइप की बर्निंग होगी, साथ में इसमें स्पेशल टाइप की वो स्मेल आएगी, ऑर्डर आएगी, ठीक है। तो स्किन डिसीज के रूप में ये प्रोड्यूस होता है। सोरा का जो कारण है, सोरा के कारण ह्यूमन बीइंग के माइंड पे बैड 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 व्यूज आते हैं, गलत तरीके के वो सोचने लगता है, गलत गलत तरीके को ख्वाब भी कह सकते हैं, जो उसको सपने आते हैं। अब इनको इन्हीं की वजह से क्या होता है, वो सिप्लेटिक और साइकोटिक कंडीशन में सफर करता है, कि उसे ये पता होना चाहिए ना कि हम मान लो उसमें बैड बैड टाइप के इफेक्ट आने लगे, गलत तरीके के सपने देखने लगा, मान लो हम मर जाएंगे, ये सब चीजें ये क्यों सोचता है, माइंड में डिस्टर्बेंस है ना, बैड न्यूज है ना, बैड चीजों की वजह से हो रहा है ना। तो सोरिक डिसीज में माइंड से प्रोड्यूस होती है, सबसे पहली बात याद है कि माइंड के लेवल पे, मेंटल लेवल पे जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो सोरा का बेस है। अब किसी भी चीज को ईचिंग, इसने ईचिंग प्रोड्यूस किया तो ईचिंग को भैया स्क्रैचिंग भी तो करेगा, सोरा वाला जो स्केचिंग कर रहा है उस स्केचिंग की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, उस स्केचिंग की वजह से इसकी बर्निंग हो रही, और जो भी चीज, जो भी वेसिकल, जो भी ईच, जो भी इरप्शन उसने स्केच किया उसमें से पस भी आएगी, उस पस में से स्पेशल टाइप की स्मेल आएगी। आप मान लो कि सोरा का जो पेशेंट है वो एलोपैथिक फिजिशियन के बाद कई तरीके के ट्रीटमेंट ले रहा है, कई तरीके से सोरा के पेशेंट को कई तरीके से कहते हैं, हिस्टेरिक पेशेंट भी कहते हैं, हिस्टेरिया का हाँ, और इसमें इपिलेप्सी वाले जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट सैड है भैया, जो मेंटल कॉज देख रहे हैं तो डिलीरियम में भी डला है भैया, डिप्रेशन में भी डला है, कन्वल्जिव भी होता है, पाइल्सी कंडीशन भी आती है तो उसको भी सोरा ही मान लेते हैं, और जॉन्डिस की कंडीशन हो तो उसको भी सोरे कंडीशन मान लेते हैं। वाइटल फोर्स में कोई भी एवरेज आए या कोई भी इफेक्ट आए, कोई भी गलत चीज आए, एवरेज है, अब वाइटल फोर्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो तो डिसीज का प्रोडक्शन होता है। इसमें भी मेंटल डिस्टर्बेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज के लिए आप चेंज लाएंगे तो मेंटल चेंज होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले मेंटल चेंज आएगा तभी वाइटल फोर्स पे दिखाई देगा। तो मेंटल ईचिंग, जब सोरा मेंटल ईचिंग सोरा का प्रोमिनेंट सिम्टम ये सब दिखाई देगा तभी हम इसको कहेंगे कि हाँ भैया ये कोई भी चीज जो मेंटल चेंज लेके आ रहा है वो मेंटल चेंज आगे जाके नए चेंजों में, अब यही चीज मेंटल चीज सफर लेके इसको ड्रेड है कि भैया हम कहीं मर जाए, हमें कोई चीज, हम इस काम को कर रहे हैं ये चीज हो जाए, तो ये सब चीजें अब जब सोचने लगा ये चीजों को, डिप्रेशन में जा रहा है तो ये सब चीजें लेके आगे कहाँ जाने वाला है, वो
साइकोटिक कंडीशन में, और साइकोटिक कंडीशन अगर सी बढ़ गई तो इसके बाद ये सिप्लेटिक कंडीशन में जाता था। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए आपको ये चीजें कुछ समझ में आई हो, आज अच्छी लगी हो तो आशा करता हूं मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और फिलोसफी को और ऑर्गन को समझ पाए थोड़ा जो मुझे आता है उसके व्यू के आधार पर।